अभी कुछ दिन हुए थे कि मोटोरोला ने बजट कैटेगरी में मोटो सी और मोटो सी प्लस को लॉन्च किया था, और अब कंपनी ने बजट यूजर्स को और भी आकर्षित करने के लिए बजट कैटेगरी में ही मोटो ई फोर और ई फोर प्लस को भी भारत में लॉन्च कर दिया है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों फोन्स को शाओमी से चुनौती मिलती है, और कंज्यूमर से भी दुविधा है कि अगर उन्हें 10,000 रुपये का एक फ़ोन लेना है तो वो कौन सा हो, मोटो का हो या फिर शाओमी का। पर लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको दिखाता हूँ शाओमी रेडमी नोट 4 का 2GB रैम मॉडल वर्सेस मोटो ई फोर प्लस। लेट्स टेक अ लुक। डिज़ाइन से शुरुआत की जाए तो मोटोरोला ने अपनी ई सीरीज़ को इस बार काफ़ी इम्प्रूव किया है, और इस बार आपको इन फोन में पॉलीकार्बोनेट की जगह फुल मेटल बॉडी मिलेगी। साथ ही साथ शाओमी रेडमी नोट 4 भी एक फुल मेटल बॉडी फ़ोन है, इसलिए जब आप इन दोनों फोन्स को हाथ पकड़ेंगे तो ये आपको एक प्रीमियम फील वाले फ़ोन का एहसास कराएंगे। इसके अलावा इन दोनों फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, लेकिन यहाँ पर मोटोरोला के पास एक एडवांटेज है, और वो ये कि एक तो मोटोरोला वाटर रेपेलेंट है, यानी अगर उस पर थोड़ा बहुत पानी गिर जाए तो इसे कुछ होगा नहीं। साथ ही साथ जो उसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, आप उसको नेविगेशन की के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डिजाइन के मामले में मोटोरोला मुझे ज्यादा पसंद आया। वहीं बात की जाए डिस्प्ले की, तो इस केस में Xiaomi Redmi Note 4 Moto E4 Plus पर भारी पड़ता है, क्योंकि उसमें आपको मिल रहा है फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, जबकि E4 Plus में HD रेजोल्यूशन दिया है। अब हालांकि आप Moto के इस डिवाइस से परेशान नहीं होंगे, लेकिन अगर इसमें फुल HD रेजोल्यूशन होता तो आपको ज्यादा कलरफुल और शार्प व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता। हार्डवेयर पर नजर डाली जाए तो जहां एक और Xiaomi Redmi Note 4 में आपको Snapdragon 625 प्रोसेसर मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर Moto E4 Plus में आपको MediaTek का 6737 प्रोसेसर मिलेगा। और यही एक पॉइंट है जहां पे इस फोन से हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि इस प्रोसेसर की वजह से आप इस फोन में हाईवी ग्राफिक गेम्स आसानी से नहीं चला पाएंगे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो Motorola में आपको 3GB रैम मिलेगी, जबकि Xiaomi Redmi Note 4 में 2GB की रैम दी है। साथ साथ Moto E4 Plus में आपको स्टॉक Android Nougat मिलेगा, जबकि Xiaomi Redmi Note 4 में आपको Android Marshmallow पर आधारित MIUI 8 मिलेगा। और आप जानते हैं कि Motorola अपने सॉफ्टवेयर को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करता है, इसलिए आपको Moto के इस डिवाइस से रोज़मर्रा के कामकाज में कोई परेशानी नहीं होगी। Moto E4 Plus भले ही डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के मामले में Xiaomi Redmi Note 4 से पीछे हो, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि Xiaomi Redmi Note 4 को करारा जवाब देते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको बताया कि ये वाटर रेपेलेंट फ़ोन है, साथ ही साथ इसमें आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलेगा, इसमें डॉल्बी एटमॉस साउंड टेक्नोलॉजी दी है, और इसमें Xiaomi Redmi Note 4 की 4100 mAh बैटरी के मुकाबले 5000 mAh बैटरी दी है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि Motorola अपने सॉफ्टवेयर को बहुत ही सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ करता है, इसलिए आपको इससे एक बेहतरीन बैटरी बैकअप मिल सकता है। कैमरास की कवर की जाए तो दोनों में आपको 13 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर वाला सेंसर मिलता है, यानी आपको इन दोनों फ़ोन से सिमिलर कैमरा परफॉर्मेंस मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दोनों में आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि Moto E4 Plus कैमरा आपको शायद ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि उसमें फ्रंट में आपको LED फ्लैश लाइट भी मिल रही है, जिसकी वजह से आप अंधेरे में भी सेल्फीज क्लिक कर पाएंगे। अब ये तो रही बातें इन फोन्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की, अब आपका सवाल ये होगा कि आपको जल्द से जल्द बताया जाए कि इनमें से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, Moto E4 Plus या फिर Xiaomi Redmi Note 4। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप प्रोसेसर को तवज्जो नहीं देते, यानी अगर आप एक जनरल यूज़र हैं जो कि फ़ोन को कॉलिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक और कभी कभी गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको Moto E4 Plus खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको कई सारे इंटरेस्टिंग फीचर मिल रहे हैं। जैसा कि एक तो वाटर रेपेलेंट है, उसमें आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल रहा है, फ्रंट में LED फ्लैश लाइट मिल रही है, डॉल्बी एटमॉस साउंड टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि उसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। पर अगर आप हैवी यूज़र हैं और गेम्स खेलने का शौक रखते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप Xiaomi Redmi Note 4 को उसके Snapdragon 625 प्रोसेसर की वजह से खरीद सकते हैं। तो ये था Moto E4 Plus वर्सेस Xiaomi Redmi Note 4 का एक कंपैरिजन ओवरव्यू और मेरे ओपिनियंस। अगर फिर भी आपको इन फोन्स को लेकर कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे जल्द से जल्द लाइक करने की कोशिश करूँगा। साथ साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो मेरे ट्विटर पर मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरा ट्विटर आईडी है @KeshavKhera। Until then, this is Keshav Khera, signing off.